ये आज हमारी कौन से नंबर की क्लास है? 16 नंबर की क्लास है। आज की क्लास में ना हम एक स्टोरी सुनाऊंगा और वो स्टोरी बड़ी कॉमन स्टोरी है जो तुमने भी सुनी होगी। तुमने कछुए और खरगोश की कहानी सुनी है, रैबिट और टर्टल, क्या है कहानी जल्दी बताओ। इसमें क्या होता है, एक कछुआ होता है और एक खरगोश, वो रेस लगाते हैं, हर बार रैबिट जीतता है। फिर एक बार उन्होंने रेस लगाई रैबिट को खरगोश से, तो फिर कछुआ जीत गया। अच्छा, तुझे क्या कौन सी कहानी पता है इनकी? यही है कि खरगोश और टर्टल की रेस होती है, तो फिर खरगोश का अपने ऊपर वो होता है कि मैं ही जीतूंगा, तो फिर खरगोश सबसे आगे चले जाता है, तो वो एक पेड़ के नीचे अपना रेस्ट सोने लग जाता है कि मैं ही जीतूंगा, जब तक वो सोता है तो टर्टल आगे। ठीक ठीक है, पर इसने बोला कि कई बार, हर बार वो जीतता है खरगोश, क्या कई बार रेस होती है? मतलब टर्टल से नहीं, अलग अलग जानवर से। हाँ, तो मैंने जो स्टोरी, यही स्टोरी है जो सब बच्चों ने सुनी है। टॉनी आराम से रहो। तो आज हम इस कहानी के बारे में बात करेंगे। तुमको यार ये तो बड़ी कॉमन कहानी है, हर एक को आती है, पर आज हम इसमें बड़ी एक, इसमें हम एक अलग नज़रिया देखेंगे। ठीक है, तो आज हम क्लास भी ओपन में ले रहे हैं, किसी भी वक्त बारिश आ सकती है, तो हमें 2-3 पार्ट में क्लास हो सकता है लेनी पड़े। तो मान लो ये जो गोल है, ये कौन है, हम इसको टर्टल मान लेते हैं, इसके 4 पैर है, ये मुँह है, मान लो ये कछुआ है, ठीक है, टर्टल, और ये हम खरगोश मान लेते हैं, छोटी सी पूंछ हो गई उसकी, ठीक है, कछुआ और खरगोश। अब इनके बीच में एक रेस हुई है और बारिश आ गई है बहुत तेज, जब आगे की कहानी हम कहीं और देखेंगे। चलो भागो भागो। अभी लेंगे, अभी बारिश अगर रुक गई तो लेंगे क्लास। ये देखो ज्यादा से अपना ब्लैक बोर्ड है, ये देखो ये पत्थर पे लिख सकते हो, उसको लिख सकते हो। अगर नहीं रुकी तो घर पे ले गए। अगर नहीं रुकी तो हम घर पे जाने को, रात का मिल जाए तो घर पे जाने को।